हेलो एवरीवन फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे हेल्दी होंगे और अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के हैप्पी लाइफ हैप्पी लाइफ चैनल के ब्लॉग्स को ज़रूर देखिए और वेलकम बैक टू तो हैप्पी लाइफ हैप्पी लाइफ चैनल फ्रेंड्स आज है थर्सडे और आज मैं जल्दी उठ गई थी लेकिन थोड़ा सा हेल्थ डल लग रहा था मुझे आज थोड़ा तो मैं आज मतलब थोड़ा लेट ही रेडी हो रही हूँ और लेट ही जाऊँगी आज थोड़ा परमिशन ले लिया है तो उससे पहले जो घर के रूटीन वर्कस होते हैं वो मैंने कम्प्लीट कर लिए हैं घर के और थोड़ा सा जो कुकिंग का काम है वो कम्प्लीट करूँगी और फिर आराम से जाऊँगी आज क्योंकि बहुत ज़्यादा आज मुझे हेडेक हो गया था और थोड़ा सा फ़ीवर भी लग रहा था तो इसीलिए मैंने परमिशन ले लिया है तो अभी निकलती हूँ थोड़ी देर में और फिर उससे पहले ये जो काम है वो कर लूँगी और फिर आने के बाद थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है तो ये सीजनल फ़ीवर है फ्रेंड्स तो मेरे मदर की भी तबीयत दो दिन से उनकी भी मतलब डल थी हेल्थ तो आज मेरी हो गई है सेम वैसे गला दर्द और थोड़े से मतलब हेड एक हो गया था और फीवर लाइट सा फ़ीवर भी था तो अभी तो मैंने टैबलेट खा लिया है और उनकी भी हेल्थ सेम वैसी थी जैसी मेरी आज है तो उन वो तो अभी ठीक है तो उन्होंने कहा कि आज उनको थोड़े प्लांट्स का वर्क करना है तो आ, शाम को थोड़ी सी हेल्प कर दूँ मैं उनकी तो मैं स्कूल से आने के बाद उनके ही पास जाऊंगी और थोड़ा सा उनका वो फेवरेट काम है मतलब वो अगर वो थोड़ा भी डल हो या उनका मन अच्छा ना हो तो ज़रूर वो अपने प्लांट्स के साथ वर्क कर लेते हैं और बिल्कुल मतलब हैप्पी हो जाते हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी मखाने की खीर बना रही हूँ जो बहुत ही हेल्दी होता है तो सबसे पहले घी में ये जो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं वो फ्राई कर लेने हैं और उसको अलग से निकालना है फिर सेवई भी मैं ऐड करूँगी सिर्फ़ मखाने नहीं तो सेवई और मखाने को फिर वही वाले घी में फ्राई कर लूँगी और फिर उसके बाद उसमें मिल्क ऐड कर दूँगी शुगर और इलायची ऐड कर दूँगी तो एक हेल्दी टेस्टी और यमी सा मखाने वाली खीर रेडी हो जाएगी देखिए फ्रेंड्स दो तीन दिन बारिश हुई थी तो हमारे यहाँ से ये यह जो स्कूल के पास कितना ज़्यादा ग्रीनरी है तो अभी शायद इन बच्चों का स्नैक्स ब्रेक है तो सब खाने बाहर आए हैं तो मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी जल्दी से स्कूल जाना चाहिए मुझे भी अपने स्कूल की याद आ रही है तो देखिए मैं अभी एक दो घंटे ही नहीं रही कि घर में इतना बोर हो गई तो मैं फटाफट से अभी तैयार होकर निकल जाती हूँ स्कूल मुझे सही में वो वाले बच्चों को देखे अपने बच्चे याद आ रहे हैं स्कूल के तो मुझे अभी फटाफट से निकलना चाहिए अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहाँ आ गई थी स्कूल से थोड़ा चाय वगैरह पी के हम लोग ये प्लांट्स के जो काम में लग गए थे बहुत सारे गमले खाली थे और मैं कोकोपेट और ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो लेकर आई थी और फिर हमने सारे जो मिक्स करके फिर सारे पॉट्स में भर के ये वाला मनी प्लांट मेरे पास बहुत कम है तो मम्मी मुझे लगा के दे रहे हैं तो वो बिल्कुल भी खाली नहीं बैठते हैं कभी भी और उन्होंने हमको भी सिखाया कि लाइफ में कभी ख़ाली मत बैठा करो थोड़ा अगर बहुत थक जाओ तो थोड़ी देर आराम कर लो लेकिन उसके बाद ज़रूर कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए अगर आप कुछ करते रहोगे तो मतलब एक्टिव रहोगे जैसे उनको तो मतलब ये प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं ये वाला काम और वरना वो कोई क्राफ्ट वर्क करते हैं जैसे वुलन के जो क्रोशेट बनाने का वो कर लेते हैं तो हमने एक बड़े से टब में कोकोपेट वर्मी कंपोस्ट और ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी और सारे छोटे छोटे जो पॉट्स हैं उनमें फिल कर दिए थे मम्मी ने और जो मनी प्लांट के कटिंग्स हैं वो उन्होंने लगा दिए छोटे गमलों में तो ये गमले बहुत दिन से खाली पड़े थे लेकिन मनी प्लांट भी अभी हमारे पास थोड़े से कम थे और मेरे लिए भी वो लगा ले रहे थे तो मैंने ये सारा मिक्स करके दे रही थी उनको और फिर वो पॉट्स में भर रहे थे और उन्होंने सब में मतलब मनी प्लांट और थोड़े से और अलग पौधे हैं वो भी उन्होंने लगा दिए और हम सोच रहे हैं थोड़े से वेजीज़ भी डाले तो मुझे मेरे पास थे वो रेड कलर के जो चौलाई के सीड्स होते हैं वो हैं और धनिया है तो दो गमलों में मैं वो डालूँगी और मतलब वेजीज़ ग्रो करना भी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं आज सोच रही हूँ कि वो लेके जाऊँगी गमले और उसमें मैं वेजीज़ डालूँगी तो धनिया वगैरह ग्रीन लीफी तो जल्दी आ जाते हैं इससे पहले मतलब अभी तो गर्मी का मौसम है इसीलिए वेजिटेबल्स इतना नहीं ग्रो करेंगे बालकनी में लेकिन अभी थोड़ा सा बारिश हो गया है तो अभी मौसम थोड़ा चेंज हुआ है तो अभी प्लांट्स थोड़े हरे भरे हो जाते हैं तो इसीलिए अब आज ही हम लोग ये लग कर ले रहे थे ये प्लांट्स का वर्क क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है मौसम तो एक्चुअली अगर हम बाहर जाएंगे और इतना छोटा सा गमला अगर ख़रीदेंगे मनी प्लांट उगा हुआ तो वो लोग थ्री हंड्रेड या फोर हंड्रेड बोल देते हैं लेकिन वही सेम हम घर पे उगा सकते हैं अगर हमारे पास एक हो तो उसके कटिंग्स करके हम लोग ने बस ये जो हैंगिंग पॉट्स वगैरह होते हैं ये वाटर बॉटल में आप किसी भी ग्लास जार में वाटर ले और उसमें डाल दें तो वो रूट्स आ जाते हैं एक फिफ्टीन डेज में फिर आप उसको एक गमले में शिफ्ट कर सकते हो और बहुत अच्छा सा मतलब कम मेंटेनेंस में आपके बहुत अच्छा मनी प्लांट ग्रो हो जाएगा लेकिन अब अगर वही हम हम बाहर ख़रीदते तो बहुत कॉस्टली हो जाता है तो यहाँ पे ये वाला प्लांट मेरे पास नहीं है बहुत छोटा सा एक गमले में तो मेरे जो मदर हैं वो और एक गमले में भी इसको लगा दे रहे हैं तो इसको इस तरह से लगा सकते बहुत सारे मतलब आ जाते हैं एक ही पॉट में तो इतने मनी प्लांट्स लगा दिए तो आपको दिखा देती ये हमने घर पे खुद ही मतलब उगाया है जो हैंगिंग प्लांटर्स आपको कहीं भी मिल जाते हैं जैसे ऑनलाइन मिल जाते हैं डी मार्ट या किसी भी गार्डनिंग की चीज़ें मिलने की दुकान में मिल जाते हैं तो आप उसमें सिर्फ पेट और थोड़ी सी जो मिक्स मिट्टी होती है वो भर के इसमें बस लगा दो आपका मतलब बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता इनका तो घर छोटा हो या बड़ा हो या कैसा भी हो अगर आप उसमें थोड़े से ग्रीनरी ऐड कर दो ना फ्रेंड्स तो इतने पॉजिटिव वाइब्स आते हैं इतना खूबसूरत लगता है सही में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ आपको कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कुछ भी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा बाय फ्रेंड्स